नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका HGN24 हरियाणा ग्रामीण News24 पर। और इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल नेहरू पैलेस से। जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक मुद्दा दिखाया था करनाल सेक्टर 12 में, जहां एक तरफ जेपी शेखपुरा, एडवोकेट जेपी शेखपुरा एक डीलर हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे थे। उसी की जो गहनता से जानकारी लेने के लिए आज यहाँ पर जो डीलर है, जिनका नाम है कृष्ण लाल तनेजा जी, जिनके ऊपर एक अभी प्रीतम सनोभ राम सिंह सांपणखेड़ी गांव कैथड़ में सुसाइड नोट लिख करके इन डीलर्स के नाम लिख करके उसमें FIR दर्ज कराई है, उसी चीज़ को आज डीपली जानने के लिए, ताकि दोनों पक्ष स्पष्ट होने चाहिए आखिर माजरा क्या है। मीडिया का काम है आपको सत्य दिखाना, माजरा आखिर क्या है, उसी की लाइव बातचीत करने के लिए आज जो डीलर हैं कृष्ण लाल। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, नमस्कार सर। आज जैसा कि सेक्टर 12 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जेपी शेखपुरा जी के द्वारा, और उसमें कहीं ना कहीं आपके ऊपर रोप और प्रत्यारोप लगते आ रहे थे, उसमें आपके दो तीन साथ टोटल साथी बताए गए, उनके ऊपर एक अभी कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था, जिसमें प्रीतम सिंह सनोफ राम सिंह गांव सांपणखेड़ी जिला कैथड़ के जो रहने वाले हैं, उन्होंने एक सुसाइड नोट दिया है, उनकी मृत्यु हो जाती है, जमीन का कोई लेन देन था, 1 करोड़ रुपए की बात चल रही थी, उनकी मृत्यु हो जाती है, आखिर वो मामला क्या है, थोड़ा सा बिल्कुल गहराई से आप बताइएगा शुरू से लास्ट तक। सर सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए ये पर्चा कितने पे है जी, कितने कितने पे आदमियों पे है ये? अभी तो जो उसमें FIR में 3 लोगों का नाम है, उसमें कृष्ण तनेजा है, FIR मेरे पास उसकी कॉपी है, उसमें आपके पुत्र है और कोई गंगाराम जी के नाम से, 3 लोगों का नाम उस FIR में है जी। 7 का पर्चा दर्ज है जी, इसके अंदर 7 है, इसने काट कर आपको 3 भेजे हुए हैं। सबसे पहले तो यही फ्रॉड किया हुआ है जी। 7 जो पेवा चीका के पास एक जमीन है, 7 बंदों का पर्चा दर्ज किया हुआ है, उसमें क्या बात है, उनकी फैमिली का कोई मैटर होगा, हम उसको नहीं जानते। ये आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले हमारे पास आए थे जमीन लेने के लिए, तो डीलर 7 थे, एक रमाना रमानी का था, एक डीलर और था। कौन आया था आपके पास जमीन लेने? मेरे पास प्रीतम सिंह और 2-4 डीलर, एक मंगा सिंह जो रमाने से है वो आया था, और एक लड़का इनके साथ आया था। तो मेरे को कहने लगे जी जमीन, मैंने कहा बेचनी है जी, हमने कोई दिक्कत नहीं, हमने 50 लाख रुपए का रेट से मांगे, 2.5 किले जमीन थी, तो कहने लगे जी हम 45 देंगे, हम 46.5 पे हमारा सौदा हो गया। जमीन कहाँ पे थी, कौन सा जमीन? रमाना रमानी, रमाना रमानी गांव में। और जो ये कहता है, हमने इसके साथ 20 लाख रुपए का सौदा किया, 20 लाख रुपए बयाना लिया, एग्रीमेंट है, और ये जो करोड़ कहता है ये बिल्कुल झूठा है, निराधार है, और इस प्रकार से फ्रॉड करता है, जो मतलब जेपी शेख से ये, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता क्या है, फ्रॉडी आदमी है, और इस प्रकार से जो झूठ कहता है, अगर कोई साबित कर दे 1 रुपया भी। और इस प्रीतम सिंह ने वहाँ वही पेवा के पास कोई ज़मीन है, वो 4-2.5 किले ज़मीन वहाँ भी सौदा किया, और वहाँ से भी बयाना किया, और 4 जने वो हैं जो जिनके ऊपर, 7 जनों के ऊपर पर्चा केस हुआ है। तो वो इनका कोई घर का फैमिली मैटर था, हम नहीं जानते, हमारे को 6 महीने का टाइम लेके गया था, 6 महीने के टाइम में उसके बाद पंचायत आती है जी, इसको 2 महीने का और टाइम दे दो, 4 महीने का दे दो, हमने वो 3-4 बार उसको टाइम दिया। मतलब बयाना देने के बाद, जो बयाना कितना दिया था? बयाना 20 लाख रुपए दिया था, उसमें आपने कितना टाइम दिया था पार्टी को? उसको 6 महीने का जी। एफिडेविट पड़े हैं, एग्रीमेंट पड़े हैं, वो साल निकल गया। अभी है आपके पास कुछ? नहीं, घर पे है। अच्छा, साल हो गया, साल के बाद 1.5 साल हो गया, 6 महीने और निकल गए, पंचायत के आदमी आते रहे, मैंने कहा अभी चलो कोई बात नहीं, हमने बेचनी है, हमने 2 महीने बाद से ही, 4 महीने बाद से ही, हम इस प्रकार से वो जेन्युइन बेचते रहे और कहते रहे, हम टाइम देते रहे। तो टाइम देने के बाद हमारे को वो 8,63,000 की RTGX करा, 28,63,000 पे चला गया। उसके बाद हमारे पास 28,63,000 आया, और वहाँ के गांव के ज़मींदार जो भी जितने थे वो आए मेरे पास इकट्ठे होकर, वो उनका बयाने किए हुए थे, किसी के 2 लाख लिए, किसी के 5 लाख, मतलब इस तरह 35 लाख रुपए लिए हुए थे, वो 35 लाख लेकर
चला गया। मतलब जो प्रीतम सिंह जी थे, हाँ जी, उन्होंने आपसे जमीन ली 20 लाख रुपए बयाना दे करके, हाँ जी, उसके बाद 8,63,000 जैसे कि आप बता रहे हैं वो भी लिया, हाँ जी, मतलब आपको उन्होंने दिए हैं जमीन के, हाँ हाँ, और बिना रजिस्ट्री के, बिना किसी एविडेंस के वो जमीन, हाँ, को आगे सेल करते रहे, हाँ हाँ, वो आगे मतलब और लोगों को भी इस चीज में कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो 10-12 एफिडेविट है हमारे पास, अभी कहोगे 2 मिनट में मंगवा देता हूँ, वो एफिडेविट है, रजिस्ट्री है, बयाना है, डेट है, जरूरत है तो अभी मंगा देते हैं। जो पेमेंट सारी की गई थी वो कैश में थी या ऑनलाइन थी? नहीं जी नहीं, 20 लाख कैश था, 8,63,000 की ऑनलाइन रसीद आई है, तो कहो तो मैं अभी मंगवा देता हूँ सारे पेपर, अगर है तो मंगा लीजिए। मंगा लिया, लिया भाई सारे चेक के, लिया जल्दी जा, और उसके ऊपर बयाने का प्रूफ भी हो। जो ये कहते हैं अभी करोड़ खा गया शेखपुरा लिखता है, ये झूठा फ्राडी एक नंबर का, इसके ऊपर उल्टे केस चल रहे हैं, और कोई काम नहीं, कोई समाज सेवा, क्या ये समाज सेवा कर रहा है? ये लोगों को झूठा हरासमेंट करने की, जो देखता है भाई शरीफ आदमी है जो समाज की सेवा कर रहे हैं जैनवन, ये उनके ऊपर, ये कुछ 5-4 जने बने हुए हैं उनके ऊपर झूठा ब्लेम लगाते हैं, और कहीं ना कहीं और भी प्रत्यारोप लगाते आ रहे थे, कोई लड़की का मामला बता रहे थे, गौशाला का मामला बता रहे थे। देखो लड़की, आप मेरी आज 68 साल उम्र है, आप ऐसे ब्लेम मैं आपके ऊपर लगा दूं, लड़की का किसी चलते रहा ही पे लगा दूं, किसी के पे लगा दूं, एविडेंस का होना चाहिए, किसी के ऊपर भी ब्लेम लगा दो, मैंने 5 करोड़ लेना है, 2 करोड़ लेना है, 4 करोड़ लेना है, ऐसे कुछ नहीं होता, एविडेंस होना चाहिए। और मैं इस चीज़ की ये गारंटी देता हूँ, देखो ये बात बिल्कुल निराधार है, इस प्रकार की छवि खराब करने वाली बात है, ये आप खुद ऐसे होंगे जो खुद होता है अपना गिरवान नहीं झांकते, वो दूसरों के ऊपर गलत ब्लेम लगा, वो कहीं ना कहीं जो है सीएम से, आप कोई व्यापार मंडल प्रकोष्ठ के आप जिला अध्यक्ष होंगे, उसका भी इस्तीफा मांगते हैं आपसे नजर आ रहे हैं, उसका क्या रीजन है? मेरे से कोई सीएम साहब की तरफ से, कल्याण बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं, जब तक ये हमारा स्पष्ट, हमारा प्रशासन है, ये हमारी CID है, हमारी कैथल की वहाँ सारी टीम चल रही है, वो सब एक एक चीज की छानबीन कर रही है, अभी कहाँ कोई गलत है कोई सही है, ऐसे छानबीन में हम अगर गलत होते तो हमें पूरा कार्रवाई करते, हम बिल्कुल कहीं भी, हमारे साथ वो 4 जने और हैं कंथली वाले से, वो बेचारे बहुत शरीफ आदमी है, हमें भी शरीफ आदमी, हमें कोई पता नहीं, इनकी कोई फैमिली का मैटर था, फैमिली में इन्होंने कुछ लेना देना होता है, हमें कोई उससे ज़्यादा जानकारी नहीं, हम बहुत इससे आहत हुए हैं जो इन्होंने आत्महत्या की है, हमें दुख है इस बात का, लोगों को तो तमाशा बना हुआ है, पर हमें इस बात का दुख है, उस परिवार के ऊपर साया उठ गया, हम नहीं चाहते भी किसी प्रकार का ऐसा काम हो, और जो भी ये JP मंदिर का मंदिर, आप एक बात बताओ, मैं 1975 से मंदिर बनाऊँ, मंदिर के साथ वाइस चेयरमैन बनाऊँ, स्कूल का मैं 1997 से चेयर, क्या होता है वो, मतलब मैं वहाँ का संचालक बना हुआ हूँ, इसको बंद कर रहे हैं, और मैं वहाँ का चेयरमैन हूँ स्कूल का, और इतने साल को रह सकता है कोई भ्रष्टाचार करे? एक दिन भी नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं मार्केट में अगर कभी भी कोई लड़ाई दंग होता है किसी भी दुकानदार के साथ, वहां पर भी आप कहीं ना कहीं खड़े नजर आते हैं? बिल्कुल खड़े होते हैं, इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, रेडी वालों के साथ खड़े होते हैं, ये इन्होंने ब्लेम लगाया, रेडी वालों से किराया लेते हैं, गौशाला के अंदर भ्रष्टाचार करते हैं, आप जाके गौशाला में देखिए, और वहां जाके गाय की सेहतें देखिए, 1170 गाय हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, समाज के अंदर 1 लाख रुपए पर डे का खर्चा है, कहाँ से आता है? समाज से आता है, अच्छे लोग देते हैं, अच्छे करनाल शहर, कर्म भूमि करनाल है, हम सेवा कर रहे हैं, और अगर हम गलत होते तो हमें वहाँ 1 लाख रुपए रोज की डोनेशन नहीं आती थी। इस प्रकार से पंजाबी सभा 70 साल तक के इतिहास में करनाल में नहीं बनी, हमने वो प्रयास करके, CM साहब के प्रयास से, हमने वो पूर्ण रूप से सहयोग करके, तो आज उस बिल्डिंग को पूरा बना दिया है, उसके अंदर क्या भ्रष्टाचार किया, बिल्डिंग बनाई है 70 साल तक कहाँ थी,
कहां हमारे शहर के लोग बड़े बड़े से बुजुर्ग और वो कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 6 तारीख को एक बार फिर वहां पर कोई कॉन्फ्रेंस रखी गई है और पूरा जो परिवार है वो वहां पर इकट्ठा होगा और जो पूरा दूध का दूध है पानी का पानी है वो वहां पर बताया जाएगा। मैं कहता हूँ दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर वो आते हैं वेलकम, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर वो कांथली वाले भी उनको यहाँ भी है, हम भी अपने प्रूफ रखेंगे सारे, हम आए वो जी सके, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। सरकार है, प्रशासन है, प्रशासन दूध का दूध पानी का पानी करे। अगर हमारे साथ कोई भी गलत काम हमने किया है, किसी प्रकार का एक रुपया रखा है, ये करोड़ों का नाम लिखता है, ठगी मारी है, एक रुपये की भी हरियाणा में, करनाल में, इंडिया में कोई व्यापार मैं इतने करता रहा हूँ, कोई व्यापारी एक आदमी भी कह दे भी मैंने एक 10,000 रुपये लेने हैं या 10 रुपये भी लेने हैं कृष्ण लाल तनेजा से, तो मैं जो पंचायत जिम्मेवार कहे मैं वो देने के लिए तैयार। अगर इसमें कहीं ना कहीं आरोप जो है वो एविडेंस के साथ, या आप एविडेंस देते हैं या फिर दूसरी पार्टी एविडेंस देती है, सिद्ध होते हैं, तो प्रशासन को इसके विषय में क्या कहना चाहोगे? मैं बिल्कुल प्रशासन को इसके विषय पर ये कहना चाहता हूँ, सच्चाई पे फैसला हो। हमारे ये पहले भी तो मेरे को साल महीना डेढ़ महीना हो गया है, तो वहाँ प्रशासन CID भी लेती है, सरकार पता भी करती है भी कौन गलत है कौन सही है। अगर ये झूठे ब्लेम लगा रहा है, झूठ इसके अपने ऊपर, ये देखिए कितने केस चल रहे हैं, सच्चे केस चल रहे हैं, झूठे नहीं चल रहे हैं, फ्रॉड के केस चल रहे हैं, लोगों से पैसा ठगता है, इस प्रकार से अपनी पैंट बनाई हुई है। आपकी कोई रंजिश है किसके साथ? हमारी कोई रंजिश नहीं, हमारे पास आया था ये पैसे मांगने के लिए। अच्छा, किस चीज के? ये हमने एक मुगल कनाल पे जगह बनाई है, जिसका हमारा जगह है CLU ली हुई है, और CLU नहीं, वो क्या होता है, परमिशन ली हुई है, जो हमारी रेजिडेंस की नक्शा पास है, हम वो परली छोटी जगह गली होने के कारण परली तरफ से हम अपना मटेरियल फेंक कर उस बिल्डिंग को बना रहे हैं और रेजिडेंस ही बना रहे हैं, रेजिडेंस का नक्शा पास है। ये वहाँ चले गए और वहाँ हमारे पास बंदे आए इनके, भाई हमारे से इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, नहीं तो हम ये कर देंगे। मैंने कहा वहाँ का भी कोई मादरा था, कोई मुगल तो इसी प्रकार से झूठी झूठी खबर। वहाँ 2-3 पत्रकार थे जो गए, जो 3-4 बार आए वहाँ, DTP साहब आए, उन्होंने नक्शा देखा, नक्शा पास था, सब कुछ पास था। हमारी बिल्डिंग अभी भी वो चल रही है, कोई रुकी नहीं, सरकार ने उसके ऊपर पूरी जांच करी, जांच करने के बाद नक्शा पाया गया, नक्शा पाने के बाद मीटर लगा हुआ है, सरकारी मीटर लगा हुआ है, उसके अंदर हम अब बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग बनाने में कोई, इसको बताओ, समाज हमारा है, शहर हमारा है, शहर के अंदर कोई काम भी करे तो इसको अगर कोई पैसे चाहिए तो वो तो नजायज बात है। तो आप क्या कहते हो कि जो अभी प्रीतम सिंह जी की जो डेथ हुई है, उनकी कोई पारिवारिक कोई सिचुएशन थी जिसकी वजह से डेथ हुई है? देखो, उनकी पारिवारिक वहाँ के आप पता कर लीजिए, बिल्कुल पारिवारिक थी, प्रशासन बिल्कुल हर चीज की निगरानी रखता है, सूझबूझ रखता है प्रशासन, कोई ऐसी बात नहीं, सारी बातें हैं। अगर कोई भी हमारे में गलत होता तो हमें पूरी कार्रवाई जैसे जिस प्रकार चाहते वो करते। इस प्रकार से हमने ना तो स्कूल के अंदर कोई हेराफेरी की है, एक पैसे की भी कोई साबित कर दे, ना मंदिर में करी है, ना गौशाला में कोई एक पैसे की हेराफेरी किया है। ये झूठा लिखना धर्म के काम पे कर, आप तो खुद करते नहीं, आप तो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, आप खुद पंजाबी सभा हमने बना दी, क्या पूरा किया शहर में, इतनी इतनी बड़ी चीज़ें बना दी, अब राशन 200 परिवारों को 15 साल तक बांटते रहे हैं 1,000 रुपये का। अभी आपके सामने यहाँ एक गरीब आदमी आया था, उसको 1,000 रुपये का राशन भी दिया अभी, और उसको रजाई भी दी। तो इस प्रकार से हम मदद करने में हर टाइम, आज भी हमारे पास रोज के 5-7-10 आदमी रोज डेली गरीब आदमी आते हैं, उनको राशन भी देते हैं, उनको जरूरत पड़ने पर फंड भी दे देते हैं, कोई 100, 500, 1,000, 5,000, 10,000 जितनी उसकी श्रद्धा होती है, इच्छा होती है भी उसको जरूरत है देते हैं। तो इस प्रकार से हमने किसी का बुरा नहीं किया, शहर में हमारे व्यापारी हैं, हम व्यापारियों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने रेडी मार्केट का भी किसी प्रकार से 1 रुपया साबित कर दे, वो रेडियो का भी कहते हैं भी फंड लेते हैं, किसी संस्था से मुझे 1 रुपया साबित कर दे, सिर्फ ओनली सिंगल वन साबित कर दे,
मैं 25-25, 30-30 साल से संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। ये 30 साल से मार्केट में मैं प्रेजिडेंट हूँ, 1990 से। व्यापार मंडल का 1992 से मेंबर हूँ, 30 साल से हरियाणा व्यापार मंडल का। तो व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी मेरे को सरकार ने बनाया। तो इस प्रकार से मैं सभी साथियों से, सभी व्यापारी भाइयों से, जो हमारे साथी हैं, एक भी बंदा कह दे भी इसने एक रुपए की भी हेरा फेरी की है, वो साबित कर ले, तो मैं जो जुर्म कहोगे मैं करूँगा। जी जी जी। तो अगर ये प्रत्यारोप कहीं ना कहीं गलत सिद्ध होते हैं तो क्या आप भी कोई कार्यवाही करेंगे फिर इसके बाद? देखो जी, अगर गलत आदमी है, अगर झूठ पड़ी तो समाजों के, मेरे पास बहुत फोन आए हैं, बहुत लोगों के फोन आए हैं भी इतने गलत आदमी है, ये JCP ये सबको ब्लैकमेल करता है, भ्रष्ट करता है, इसके 4-5 और जने, नाम मैं लेता नहीं, और लगे हुए हैं, वो टीम बनाई हुई है लूटने की, और कोई धंधा नहीं, खुद ब्लैकमेल करते हैं, खुद गलत काम करते हैं और लोगों को, शरीफ आदमी को ब्लैकमेल करते हैं। पहले भी कब्जे में कई छुड़ाए, उनसे पैसे लिए, लाखों रुपए एंटे। इस प्रकार से मैं चाहूँगा भाई, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, जो झूठा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और कौन कौन लोग थे, उनके एक बार नाम बताएंगे? मैं किसी का अब क्या बताऊं, आपको सबको मालूम है, आप सब वही थे, जो भी थे, जो उनके गैंगवार है, वो दूसरों को गैंगवार कहते हैं, हम तो समाज की सेवा करते हैं। ये रेडियां लगी हुई हैं, 4500 स्ट्रीट वेंडर का मैं मेंबर हूँ, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं तो आपको सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ। तो हमारी मीटिंग होती है समाज के गरीबों के भले के लिए, हमारे दुकानदारों के भले के लिए। हम कितनी भी कोई दिक्कत आती है, प्रशासन के साथ मिलकर बैठकर प्रशासन से भी राय लेते हैं और मदद करते हैं जी। तो ये देख रहे थे आप हमारे साथ कृष्ण लाल तनेजा जी, जहाँ पर एक तरफ आप देख रहे हैं समाज सेवी भी हैं, पीछे फोटोज लगी हुई हैं, फोटो में मैं दिखाना चाहूँगा, पूरी जो टेबल है वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर की कटिंग से यहाँ पर भरी हुई आपको नज़र आ रही है। अभी उनसे लाइव बातचीत हम दिखा रहे थे आपको। एक मुद्दा बहुत ही करनाल के अंदर गहमा हुआ है, इस टाइम फर्स्ट प्रियोरिटी पर है, जिसको लेकर के आज एक करनाल सेक्टर 12 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, सेक्टर 12 में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें आपको बता दें कि एक व्यक्ति थे जिनसे ज़मीन, जिन्होंने तनेजा जी से परचेज करी थी और कुछ दिन के बाद किसी पेहवा में ज़मीन परचेज करी थी, किसी चीज़ को लेकर के उन्होंने एक सुसाइड नोट पर इन लोगों के नाम लिए थे और उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी को लेकर के सेक्टर 12 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उसके बाद दोनों पक्ष, मीडिया का कार्य होता है दोनों पक्ष की राय लेना, दोनों पक्ष को दिखाना आपको, उसी को लेकर के हम इधर भी आपसे बातचीत करके करने के लिए आए थे। तो दोस्तों पूरा इंटरव्यू ये भी सुनिए और वो वाला भी सुनिए, आपको अगर कहीं पर भी कुछ लगता तो कमेंट करके बताइए आखिर आपको दोषी कौन लगता है। हम भी HGN24 के माध्यम से आपसे अपील करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसी घटना किसी के साथ घटती है पैसे के लेन देन को लेकर के, तो कृपया डेथ ना करें, मृत्यु ना, अपने आप को सुसाइड ना करें। आजकल के जो लोग हैं वो बड़े स्ट्रेस में रहते हैं, एक दूसरे की राय नहीं लेते, मिलते जुलते नहीं एक दूसरे के साथ। तो हरियाणा ग्रामीण न्यूज आपसे कहीं ना कहीं एक अपील करते हुए नजर आता है, अगर कोई भी आपका पैसे का लेन देन है, पैसा तो आ जाता है लेकिन जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जो बच्चे हैं, जो परिवार है, वो कहीं ना कहीं आपका इंतजार करता रहता है। तो ऐसे सुसाइड नोट ना लिख करके आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत में या फिर अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या इसमें बेटर लगता है। 6 तारीख की समय रखा गया है, बाकी अभी कृष्ण जी से आपकी बात हुई है, तनेजा जी से आपकी बात हुई है, जहाँ जहाँ पर इनका कार्य है, गौशाला है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स की बात है, चाहे वो समाज सेवा की बात है, कितना कार्य वो करते नजर आते हैं, पहले किए हैं, उसकी भी हम जानकारी आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। तो आपसे एक ही अपील करते हैं, HGN24 के माध्यम से आपको सही खबर दिखाएंगे, खबरों को शेयर करिएगा।